तीनों सरपंच खिलाफ से दांगी गए। अच्छा जी। गांव में खिलाफ है। हाँ। और भाई इसने तो डोड़े कुत्ते का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों इस समय हम भैणी बहरे गांव के अंदर मौजूद है, महम हल्के का ये गांव। आप सभी को पता है कि चुनावों का माहौल है और हर गांव के अंदर हर राजनेता अपने अपने समर्थकों से मिलने के लिए पहुंच रहा है और आपने देखा होगा कि हर गांव के अंदर अलग अलग तरीके से लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, शायद ऐसे समर्थक आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो इनसे बातचीत करेंगे बच्चों को, आखिर किन्होंने इनको ये शिक्षा दी है कि हाँ कोई गांव में आ रहा है और उसके इंतजार में ये स्वागत में छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका। हाँ। किसने रखा ये नाम? ये मेरी मम्मी ने। पापा ने नहीं रखा? पापा ने भी रखा है। अच्छा, दोनों ने मिलके रख दिया। हाँ। अच्छा बेटा, क्या आज इस गांव के अंदर क्या हो रहा है? आज बलराज कुंडू हमारे अंकल आ रहे हैं यहाँ पर। बलराज कुंडू आपके अंकल? आपके अंकल तो ना, वो हमारे भाई साहब है। वो तो है, आपके भी अंकल है। हाँ। अच्छा यूँ बताओ कि जो बलराज कुंडू आपके अंकल आ रहे हैं, कौन है वो? हमारे विधायक है। अच्छा, आपके विधायक है। हाँ। पता है आपको? हाँ। अच्छा, क्यों ये सारा का सारा गांव आज उनका इंतजार कर रहा है? किस लिए इंतजार कर रहा है? क्योंकि उन्हें हमारी बड़ी बहनों के लिए बस चला रखी है। बड़ी बहनों के लिए बस चला रखी है? हाँ। ये किसने बताया आपको? ये मम्मी ने। मम्मी ने बताया? हाँ। तो आपको क्या फायदा होगा उससे? हम भी बड़े होके कॉलेज जाएंगे। आप भी कॉलेज जाओगे बड़े होके? हाँ। आप भी विधायक की बस में जाओगे? हाँ। तब तक तो पता नहीं कोई और आ जाएगा। तब तक तो कोई और आ जाएगा बेटा? कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा? कहाँ से सीखी है इतनी अच्छी अच्छी बातें? मम्मी ने सिखाई। मम्मी ने सिखाई है। मम्मी किसको वोट देगी? अंकल। हाँ। अंकल बलराज कुंडू की। अंकल बलराज कुंडू की। हाँ। अच्छा जी, और आपके पापा? मेरे पापा भी अंकल बलराज कुंडू की। सब? हाँ। सब बलराज कुंडू की। हाँ। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये तो बहुत छोटे हैं, आपसे भी छोटे हैं। क्या नाम है बेटा? यंसिका। क्या नाम बताया? यंसिका। आप तो इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अच्छा, किसका इंतजार कर रहे हो जल्दी बताओ? कौन आ रहा है? कुंडू। कौन है कुंडू? कुंडू अंकल। कुंडू अंकल। अच्छा, कौन है वो बताओ? अच्छा बेटा, आपका क्या नाम बताओ? आरुही। है जी? आरुही। अच्छा आरुही, बेटा अच्छा नाम है, किसने रखा? अच्छी स्पीच दी हुई है। मेरी मम्मी ने। आपकी मम्मी ने? अच्छा, ये बताओ कौन आ रहा है आपके गांव के अंदर? अंकल कुंडू। अंकल कुंडू कौन है बेटा? वो मेरे बच्चे। देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तो शायद इनको कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन ये गुड़िया फोर्थ क्लास के अंदर ये गुड़िया पढ़ाई कर रही है और अभी से इनको ये पता है, इनका सपना है कि हमारे विधायक आएंगे और उनको फिर से जिताएंगे, और जब वो आएंगे तो ये भी एक दिन बड़े होंगे और उनकी बसों में बैठ के जो है यात्रा करेंगे। अब हमारे गांव के अंदर जो ये बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कर रखते हैं। हाँ जी ताऊ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या शिक्षा दे रहे हो छोटे छोटे बच्चों को? तैयार कर दिया आपने अभी? ये तो फोर्स है जी। अच्छा जी, यजन सिंह, ये देखिए। अच्छा जी, यही तो है हमारी अगले आंख। अच्छा, इस छोटी सी गुड़िया से बात कर रहे थे, ये बोल रहे हैं कि हम बड़े होंगे तो हम भी तो बस में जाएंगे। बिल्कुल बस हम। हाँ, फ्री। मैं तो बोल रहा हूँ तब तक तो पता नहीं कौन आएगा। अरे नहीं, यही तो हर जनरेशन यही करेंगे सबके में। अच्छा, युवा शक्ति। अच्छा जी, बस। आप कौन से गांव से? यो बराबर में है। मैम। मैम से? हाँ। मैम संभाल रखा है? नहीं संभाल रखा, पता चला यहाँ वोट मांगते रहो, वहाँ कोई और ही। अरे माई सीन लग गए है। अच्छा मैं ये देखे, आप तो यहाँ घूम रहे हो वोटों के लिए, आपको इस बात का ही पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो आ गया मैं मांग के। मैं वो कितने जाओ, कितने हंडो, कितने हंडो, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी, कुछ नहीं। ये ना बलराज कुंडू। हाँ। सबका बेड़ा पार करेगा, इन सारे ने पछाड़ेगा। ठीक है, 24 के अंदर यही एक बाहुबली। अच्छा जी, बाहुबली। बाहुबली। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है?
नरेंद्र भाई से। नरेंद्र कहाँ से आयो? लाखन माजरा से। लाखन माजरा से नहीं सर। तो क्या तैयारियां? तैयारियां देख लो आप, ये जनता देख लो, सारा इनका ही प्यार है। जनता तो भाई साहब कोई भी नेता हो अपने साथ 100-200 गाड़ियां तो मेरे साथ लेके ही चलता है। मैं 3-3 सवारी पाऊंगी बलराज के, मैं तो एक गाड़ी के अंदर 10-12-20-15 न्यू सवारी पाए। बड़ी गाड़ी में तो 10-15 अच्छा, और छोटी गाड़ी में 8-10, जिसमें 8-10 फल गाड़ी पाओगी, भरी इसकी खाली नहीं पाओगी। महिला शक्ति नारी मैडम के साथ जावा, जब रानी कुंडू के साथ हजारों की संख्या में लेडीज गणी पाऊंगी। कितने रुपए दाड़ी मारता है एक बंदा? एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी कोई दाड़ी नहीं आते दिल से। हनुमान तो भाई, हनुमान तो सानी छाती पाट के देखा इसका कि जलता वहाँ बलराज के। तो ये प्यार है, ये प्यार है इन छोटे छोटे बच्चों का और इनकी बड़ी बहनों का जो विधायक बलराज गुंडू की बस में जाके बैठती है। बहुत घना प्यार है, बहुत अच्छा इंसान है। और आज तक किसी ने आटो तक नहीं लगाया, हरीश भाई साहब ने 25 बस लगा दी हमारी बेटियों के लिए, जिस बेटियों के धक्के लगा कर दे और वो बेटी सुरक्षित जामर सुरक्षित आवे। हाजी ताऊ जी कौन सा गांव है? भाई भैया ने राम राम मदीना गांव से डांगी छू। डांगी पूरा नाम बता दो फिर तो। जगबीर सिंह डांगी भाई। अच्छा जी। हाँ तो मदीना गांव से आपके गांव का विधायक रहे है, मंत्री रहे है, क्यों भाई? तीनों जब सरपंच खिलाफ से डांगी गए। अच्छा जी। गांव में खिलाफ है। हाँ। और भाई इसने जो ढोड़े कुटचेड़ा का काम करया है। हाँ। गरीब मानस का काम नहीं करया। हाँ। और कुंडू कोई 25 बस चलती है। हाँ। इन में तेला गलवा दो डांगी पे। अच्छा जी। ईसा 5 रिक्शे चलवा दो मरीज दरो चटाई कुंडू रा दानी वीर है। ये बेख महेश मरीज घर में चढ़ के कुंडू ने 1 लाख रुपये दिया जब बजा गए है। और बस चला रहा 25 छोरिया खाते रे और सामूहिक काम खूब करे है भाई, बहुत बड़ी आदमी है। और मैं मदीना गांव का हूँ, मदीना में धारा आवागे डांगी ने अपना मारे छा में गेरे ना। आपके गांव का है घूमड़ा भी अपना और रात न सोना दे। अच्छा। हाँ तो पक्का मन बना लिया? पक्का मन, पक्का कुंडू बनावांगे। अच्छा जी। हाँ पिछली योजना में डांगी का 42 वोट आई थी, कुंडू का 22 आई थी। अच्छा जी। कुंडू का 42 आऊंगी, उसका 22 आऊंगी। अच्छा जी। हाँ तो और भी नेता उठ रहे हैं, उनके भी रवा तो क्या मना सच्चाई। खेड़ी गांव से ही भाई की भैंस मरी थी करंट से। हाँ। तो इससे पूछो भाई साहब ने क्या सुना? मेरी खेड़ी गांव तो मैं 4 भैंस करंट लाग के मरी थी। आज तक 44 साल हो गए थे कांग्रेस की वोट गिरते ने, कोई भी नहीं आया था, सिर्फ भाई बलराज कुंडू आया था। 44 सालों से कांग्रेस ही थे? 44 साल थे। कितनी उम्र हो गया? बब्बर घेर लिए, दादर ने घेर लिए, भामा गए, 44 साल हो गए। हाँ 44 साल से। समय आया तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आया, सिर्फ बलराज कुंडू आया एक। अच्छा। सिर्फ एक आपकी क्या मदद करी भाई साहब? इसने 1.5 लाख रुपए दिया अपने दौरत। अच्छा जी। और 2,13,000 रुपए बिजली वाले दुआए थे, उनने यह बात कही थी चंडीगढ़ केस कर दो। अच्छा। केस में हमने 10 साल तक हंडाई जाऊंगा रूए, रोज मन भी नहीं तारक दे दे रहे 5,000 रुपये हम गाड़ी जार कितने लिया और हमारे उड़ा लाग ले रहे फदा के काटा था हमने वहीं रुपये दिवाए। क्या लगता है ये जो समाज सेवा ये सब पे भारी पड़ रही है? बिल्कुल भारी पड़ रही है भाई, सब दानी वीर है यार, हमारी बहन बेटिया की हिफाजत है। बात तो देखो जो बात आप लोग बोल रहे हो इसके बारे में तो मैं भी ना इसको कोई झूठ ला सकता, क्योंकि हमारे चैनल पे भी इससे पहले बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जहाँ इन्होंने मदद की, हम भी मांग गए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हर गांव में हर जगह बोल रहे हैं कि विधायक रहते हुए जो काम कराने चाहिए थे वो काम नहीं हुए, क्या कारण? देखो ऐसा विधायक रहते हुए इन्होंने क्या करा, बड़ा अच्छा काम किया। अगर ये अपना उस काम करा देते ना तो आज 2 संतर की तरह ये भी हो जाते, ठीक है, अपनी जगह असर तो थे ये। एक बात माना कि ये किसी पार्टी में नहीं गए, हमारे सार्वजनिक काम रुक गए, लेकिन इसकी जेब के जो काम थे ना हमारे वो तो होते ही रहे। जैसे भाई साहब को मदद थी वो मिली और दूसरे को मिली, यानी इसने अपनी जेब से तो मदद करी है हल्का की। गरीबों के लिए बहुत पैसा होगा, क्या काम होगा इस पर, चाहे तो मदद करवा लो और चाहे काम करवा लो, यो भी काम। देखो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, दोनों काम करने पड़ेंगे। दोनों कितने करेगा भाई? राज तो दोनों करने पड़ेगी जी, दोनों करने पड़ेगा। राज राज नहीं था, अब आप लोग अगर जिताते हो चाहे निर्दलीय रहे या फिर ये सरकार में जाए कहीं भी जाए, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि अगर दोबारा मौका मिले साल के काम हम अब की बार भाई साहब से पूरे लेंगे, ठीक है, और जगह ले जाएंगे भाई साहब। लोग है ना काम बिल्कुल लेने चाहिए, पिछली साल के भी लेंगे, पिछली योजना के और इस योजना के भी लेंगे, ठीक है, लगे 10 साल के काम डबल लेंगे। कमी आ रही है वो पूरी करोगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, जो हमारे हल्के की जो हमारे हल्के की
पिछली बार की जो शिकायतें रही हैं वह हमारे काम नहीं हो पाए, हम इस 5 साल में उन शिकायतों को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे। तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा, जिस दिन मतदान होंगे और पेटियां खुलेगी, आखिर अब की बार महम हल्का किसको जिताता है, किसको विधायक मंडल बढ़ाता है, किसको विधायक चुनता है। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो आप भैणी बहरो गाँव के अंदर देख रहे हो, समर्थक जो है उन्होंने तो कसम खा ली है कि फिर से विधायक बलराज गुंडू को जिताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय दें, अब की बार आप किसको देखना चाहते हो।